Assalamualaikum friend, welcome back to our channel techhalf. आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से Google Play Billing की वर्जन 5 की लाइब्रेरी अपने जावा ऐप के अंदर लगा सकते हैं। तो आज पूरी डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, इससे पहले वर्जन 4 की लाइब्रेरी भी मैंने ऐड करने का तरीका बताया था, तो इसकी फुल डिटेल आपको वर्जन 4 में भी मिल जाएगी। आप काइंडली उसको भी अगर देखना चाहिए तो देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसके पहले लास्ट पार्ट जो हमने वर्जन 4 का बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सारा परचेज ऐड करना है अपने ऐप के अंदर। तो मैंने ये ऐप बनाया हुआ है, इसके अंदर ये सब कुछ परचेज ऐड करके रखा हुआ है। इन ऐप प्रोडक्ट्स के अंदर ये सारी आईडीज ऐड करनी है, क्यों ऐड करनी है, कौन सी ऐड करनी है, तो इसकी सारी डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी। आपने वर्जन 4 वाली लाइब्रेरी का सेकेंड पार्ट भी देख लेना और 1 पार्ट के लास्ट में मैंने ये सब कुछ बताया था, तो उसको भी एक बार चेक कर लेना है। अदरवाइज़ आपको इस लिंक के अगर कोशिश करूँगा कि मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियो को दे दूँ तो इसका पार्ट आपको मिल जाएगा कि सारा किस तरह से करना है। तो एडमिन साइड से हमारा मतलब प्ले कंसोल वाली साइड से हमारा सब कुछ रेडी है, हमें सिर्फ और सिर्फ ऐप के अंदर जाकर ऐड करना होगा। तो मैंने जो ऐप चूज़ की है उसका नाम है क्योट्यूब प्रो। जो भी ऐप हो हमने उसके अंदर एक एक्टिविटी बना ली, एक्टिविटी डोनेट की, ठीक है। उसके साथ इसके ये बैकएंड की फाइल है जावा की और इसके बाद बिल ग्रेटल है। तो इसके अंदर मैंने छोटा सा कोड करके रखा हुआ है जिसमें मैंने लेआउट बनाया हुआ है सिंपल सा। इमेज व्यू मैंने सारे यूज़ किए हुए हैं, तो इमेज व्यू 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज व्यू को यहाँ पर आकर इनिशलाइज कर लेते हैं। मैं वीडियो कोशिश करूँगा जितनी कम से कम हो ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ आए। सबसे पहले इसको इनिशलाइज कर लेते हैं। तो मैं इमेज 1 पर चले जाता हूँ, D1 इसका नेम है, तो इसी तरह इसको ला कर यहाँ पर D1 पहले से ही है, तो D2 यहाँ पर इसी तरह से हम सारी ऐड कर देंगे। D3, D4 और D5, ठीक है। तो आप यहाँ पर बटन भी ले सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर आकर नीचे इसको इनिशलाइज करवा लेना, जैसे D1 यहाँ पर पहले से है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ D2। D3, D4 और यहाँ पर हमारी D5 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने वही कोड चेंज कर देना है, D2 यहाँ पर आ जाएगा, D3। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आपने काइंडली नीचे मैसेज कर देना, और इसके अलावा आपको कोई क्वेरी और क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपको सब कुछ पता लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा यहाँ तक ये काम डन हो गया। अब हम देखते हैं कौन सी लाइब्रेरी हमें किस तरह से ऐड करनी है। जो हम लाइब्रेरी यूज़ करने वाले हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर आकर ये लाइब्रेरी सर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि गूगल IAP वर्जन 5.0 की लाइब्रेरी आपके पास ओपन हो जाएगी। तो आप अगर इसको भी सर्च करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन का मैं आपको आज तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट करना है। कुछ इस तरह से लाइब्रेरी वर्क करी है, उससे काफ़ी ज़्यादा ऐप हमारे प्ले स्टोर में चल रहे हैं, तो ये सारे ऐप इसी से चल रहे हैं, ठीक है। मेरा खुद का ऐप इसमें लाइव है, तो हम चलते हैं अब क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो लाइब्रेरी है उसको कॉपी कर लेना, तो यहाँ से ये डिपेंडेंसी मैंने कॉपी कर ली है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप जाकर ना वहाँ से टेक हाफ ऑफिशियल का लिंक आपको दूंगा, बस आपने वहाँ पर जाना है और आपको सारे का सारा कोड यहाँ पर मिल जाएगा। आप जस्ट डाउनलोड करके उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं कोड ही बताऊँगा, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप उसके भी करते हो तो मैं वीडियो बना दूँगा उसका, आपने मुझे बता देना। तो हमारी लाइब्रेरी इसके अंदर ऐड हो गई है, लेकिन अगर हम देखें ना कि उसके अंदर जाकर GitHub के अंदर, तो इसने बहुत कम डिटेल की हुई है कि आप यहाँ से खुद ऐप अगर बनाना चाहे तो मे भी आपको प्रॉब्लम आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, आपको ना एक यहाँ पर एक नोटपैड की फ़ाइल दे दूँगा जिसमें आपको सब कुछ ये मिल जाएगा। सबसे पहले आपने ये लाइब्रेरी ऐड कर ली, उसके बाद जो जो स्टेप मैं कर रहा हूँ सेम सेम आप करते जाएंगे तो आपकी ऐप बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि फुल डिटेल के साथ बताऊँ ये क्या होता है ये कैसे होता है तो वो भी बन जाएगी, लेकिन उसके लिए टाइम भी आपको पता लगेगा। तो आप अगर वो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दें, मैं उसको भी बना दूँगा। तो सबसे पहले हमने ये ऐड किया और उसके बाद ये ऐड कर देख सकते हैं, इसको इम्पोर्ट कर लीजिए, हमारा स्टेप डन हो गया। उसके बाद इस ऐप बिलिंग को आपने कॉपी कर लेना है, लेकिन इसको आप करना आपने यहाँ पर बैक प्रेस के नीचे इसके अंदर पेस्ट कर देना, तो ये फॉल्स आ जाएगा, उसके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद स्टेप 2 हमारा 3 डन हो गया। अब स्टेप 4 को हमने स्ट्रिंग्स बना लेनी है। अब आपने एक चीज़ याद रखना है कि हमारे पास अरेज है, तो इसको मैं कर लेता हूँ इम्पोर्ट। तो हमारे पास 3 चीज़ें आ रही है, एक नॉन कंज्यूमेबल, कंज्यूमेबल और सब लिस्ट। सब का मतलब है सब्सक्राइबर, नॉन कंज्यूमेबल जो हम लाइफ टाइम यूज़ करते हैं, और कंज्यूमेबल। लेकिन मैं अपनी ऐप में डोनेट का ऑप्शन लगाऊंगा जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम कंज्यूमेबल आईडीज़ कहते हैं।
तो कंज्यूमेबल आईडीज़ के लिए मैंने एरे डॉट लिस्ट में सारी कंज्यूमेबल आईडी यहाँ पर पेस्ट कर दी है। अगर आपके पास हो एरे लिस्ट नॉन कंज्यूम की तो आप यहाँ पर इसी तरह बना सकते हैं, अगर सब लिस्ट हो तो आप इसी तरह यहाँ पर इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल इन चीज़ों को आकर रिप्लेस करके और ऐड करते जाना है, लेकिन अगर सिर्फ आप ये यूज़ करना चाहते हो तो आप बाकी तो रिमूव नहीं करेंगे, अगर आप बाकी तो रिमूव करेंगे तो आपको एरर आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको इसी तरह रहने देना, जो भी आपने यूज़ करनी है उसके अंदर आपने डाटा रख लेना, जो आपने यूज़ नहीं करनी है मतलब आपने सब्सक्राइबर का ऑप्शन लगाना है, आप ये दो नहीं लगाने, तो आपने इन दोनों को इधर ही रहने देना, इसको कुछ भी नहीं करना, आपने अपने सब्सक्राइबर में आकर काम कर लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जो हमने स्टेप करना है, आई ए पी कनेक्टर को आकर इसको हमने कनेक्ट करवा लेना है कि ये प्ले स्टोर की सर्विसेज के साथ कनेक्ट हो जाए। तो जैसे मैंने इसको किया तो इसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत ही इजी लाइब्रेरी है, छोटी सी लाइब्रेरी है और आपकी वर्जन 5 का सारा काम कर देती है। अब लाइसेंस की का आ रहा है कि लाइसेंस की मैंने इधर डाली हुई है, तो मैंने अपनी पहले से लाइसेंस की डाली, अगर आपने ये नहीं डाली तो आपने डाल लेनी है, वरना आपको इसका भी इशू आ सकता है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद जो हमने ये करना है कि आई ए पी कनेक्टर डॉट एड बिलिंग क्लाइंट ये वाला मेथड इस पर लगा देना, तो ये हमारा एड बिलिंग क्लाइंट हो गया। सिंपल आपने कॉपी पेस्ट करते जाना, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब ऐड परचेजेस का ऑप्शन आ रहा है तो आपने यहाँ से यहाँ तक कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर जो डाटा इंपोर्ट है इनकी क्लास को इंपोर्ट करूँगा। इसके अलावा ऐड बिलिंग है तो इसके सबसे पहले जो जो इंपोर्ट मांग रहे हैं उनको इंपोर्ट करते जाना है। ये इंपोर्ट हो गया, उसके बाद ये क्लास इंपोर्ट हो गई, और उसके बाद ऐड बिलिंग है तो आप यहाँ पर अपनी एक्टिविटी का नाम लिख लेना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एक्टिविटी डोनेट, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी डन हो गया। अब हमने क्या करना है, इसके नीचे आ जाना है, यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, ऐड सब्सक्राइब लिसनर, अगर आप सब्सक्राइबर का ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो आपने ये वाले इसके अंदर आकर सारा कोड करना होगा। वो किस तरह से करना है, अगर आप सब्सक्राइबर का भी चाहते हैं, मैं लेकर आऊँ, ये तो फिलहाल नॉन कंज्यूमेबल आईडीज़ का लेकर आ रहा हूँ ना वीडियो, तो वो भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये सारा कोड है, ये वो बटन्स का कोड है, इमेज व्यूज का सॉरी कोड है, जो हमने जिन पर क्लिक करने पर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने क्योंकि डी लगाया था स्टार्ट में, D1, D2, D3, तो मैं वो यहाँ पर कर लेता हूँ रिप्लेस। उसके बाद ऐप बिलिंग है तो यहाँ से फिर हमें आई ए पी कनेक्टर डॉट परचेज, और इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा एक्टिविटी डोनेट, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये पांचों एक्टिविटीज़ में कॉपी हो गई है मेरे पास। इसके बाद बस इतना सा काम था, हमारी जो गूगल प्ले बिलिंग वेरियन 5 लाइब्रेरी ऐप में चल लग गई है और ये सक्सेसफुली वर्क करेगी। फिर भी आपको कोई इशू आए तो आप मुझे बता सकते हैं, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसको रन करके आपको मोबाइल में चेक करवाता हूँ किस तरह से वर्क करेगी। इसके क्लिक करने पर हमारे पास $1 शो होगा, और ये हमने पहले से प्रोडक्ट ऐड करके रखी हुई है इसी क्लाइंट सेंस की। इसकी डिटेल के लिए आप पुरानी ऐप पर जा सकते हैं। तो अभी हम मोबाइल में इसको चेक करते हैं, इसमें एक एरर आ रहा है, वो मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा अनएक्सपेक्टेड टोकन, तो हमारी ये लगी हुई थी, ठीक है, तो ये एरर भी सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाने के लिए इसका थोड़ा सा सेटअप कर रहा हूँ, हमारे पास ये रेडी हो गया। अब इसको कर लेते हैं मोबाइल के अंदर इंस्टॉल। जैसे मैं इसको रन पे क्लिक करता हूँ तो सेम देख सकते हैं, बहुत ही थोड़ा कोड है इसकी नस्बत, अगर आप गूगल पे जाएंगे दूसरी लाइब्रेरी उनका बहुत ज़्यादा कोड होता है, सिर्फ उनकी आप देख सकते हैं कि कितना आसान सा कोड है, और वो भी आपको इतने डिटेल के साथ मैंने बता दिए, ठीक है। तो फिलहाल ये इंस्टॉल हो जाती है, अभी तो देख लेते हैं, आई थिंक इंस्टॉल हो रही है इसके अंदर, तो ये आ गया ऑप्शन, इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्या हमारे पास वर्क कर रही है या नहीं कर रही। अगर आप अपनी ऐप बनवाना चाहते हैं, कुछ भी करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अगर आप फाइवर पर करना चाहते हैं वर्क तो उसका भी आप बता सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की ऐप, तो मैंने यहाँ पर डोनेट की, यहाँ पर स्क्रीन लगाई थी, जैसे मैं डोनेट पर क्लिक करता हूँ तो $1, $2, $3, $4, $5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रन को भी ओपन करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं $1 पर क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास आ गया कि यहाँ पर मैं क्वांटिटी, ये क्वांटिटी कहाँ से सेट होगी, यहाँ ही से सेट होगी, ठीक है। तो फिलहाल ये $1 का आ रहा है, अगर मैं $4 को चेक करूँ तो $4 का भी आ रहा है, 2 को चेक करते हैं तो 2 का भी आ रहा है, मतलब सबका आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी इशू हमारे पास नहीं आ रहा, तो मैं $1 वाले को सब्सक्राइब पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि एज अ मेरा टेस्ट कार्ड है तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। तो जैसे मैं 1 टैप पे क्लिक करता हूँ तो पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है मुझे, ठीक है। अगर मैं दोबारा पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे
इसके बाद जैसे मैं $1 दोबारा पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास दोबारा से बाय करने का ऑप्शन आ गया है। ऊपर से मुझे मेल भी आ गया कि हमारा जो गूगल प्ले है वो हो गया। अब इसको देखते हैं यहाँ पर जाकर कि हमारे पास क्या ये हमारे पास बाय हुआ है, यहाँ पर क्या रिज़ल्ट आ रहा है इसका। तो मैं सिंपली अपने ऑल ऐप्स पर चले जाता हूँ। यहाँ पर जाने के बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑर्डर मैनेजमेंट को। तो जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट पर जाता हूँ तो यहाँ पर देख लेते हैं, अभी तक तो रिफ़्रेश नहीं मैंने इसको किया, तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ। जैसे रिफ़्रेश हम इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन जो हमें ऑर्डर किया वो चार्ज एबल आ रहा है। अभी थोड़ी देर में ये चार्ज्ड हो जाएगा, ठीक है, तो इसका कोई भी इशू नहीं आएगा। हम इसको वेट कर लेते हैं, जैसे ये चार्ज होता है फिर मैं आपकी वीडियो को ऑन करता हूँ। तकरीबन एक दो मिनट ले लेगा इसके लिए प्रोसेसिंग में। अगर आपको देखने के मैंने किस तरह से बनाया, किस तरह से टैप वाला ऑप्शन, मैंने अपनी जो वेरियन 4 की लाइब्रेरी की वीडियो उसमें पूरी डिटेल से बताया था कि आपने अगर पेमेंट मेथड ऐड करना है वो किस तरह से लगाना है, उसके अलावा अगर आपने टेस्ट कार्ड ऐड करना है वो किस तरह से लगाना है, तो वो आपको सब कुछ उसमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने वेरियन 5 की लाइब्रेरी को ऐड करने का तरीका बताया। रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन चार्ज का आ गया कि आपने जो चार्ज कर दिया $0.99 टेस्ट कार्ड से, तो ये सक्सेसफुली आपके पास वर्क करेगी। मैं एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट कर देना। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ उनको शेयर कर देना ताकि उनको भी यहाँ बनाने में ईजी हो। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी मैं आपको बना दूँगा। यहाँ पर चार्ज आ रहे देख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर टाइम वगैरह आप देख लें, सब कुछ आ रहा है October 13 और यहाँ October 13 है। और टाइम क्योंकि वो UTC है इस वजह से कोई और आ रहा होगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आपको आएगी। मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना दी जाए, मेरे कुछ सब्सक्राइबर इस पर कह रहे थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।